गोरिल्ला 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 नाम भाई रॉयल इनफील्ड ने बहुत अच्छा रखा है, बाइकों का गोरिल्ला। रॉयल इनफील्ड ने भाई हमें इतने सारे तोहफे दिए इस ईयर, मतलब 2024 में हिमालयन भी लॉन्च हुई, हंटर 350 का भी नया कलर लॉन्च हुआ, कॉन्टिनेंटल के भी काफ़ी सारे कलर लॉन्च हुए 2024 में। पर एक नई बाइक रिसेंटली लॉन्च हुई है, आप सब लोगों को पता होगा, गोरिल्ला 450। ये हिमालयन 450 के चेसिस पे ही बनी हुई है, इसके बारे में सारी चीज़ें बात करेंगे। क्या ये स्पीड 400 से बढ़िया है या हिमालयन 450 एक्स को छोड़ के आपको इसकी तरफ जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ऑन रोड कितने की ये पड़ने वाली है और क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर नहीं आई हैं जो सेगमेंट में भाई किसी इंडियन ब्रांड में, तो भाई मुझे लगता है इंटरनेशनल ब्रांड की तो बात ही अलग है, इंडियन ब्रांड में भी ऐसी चीज़ें नहीं दी होंगी आज तक की जो इस चीज़ों इस गाड़ी के अंदर मतलब अभी देखने के लिए मिली है। सबसे पहले बात करेंगे गाड़ी के लुक्स एंड डिज़ाइन की, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे। दो कलर इसके अंदर अभी सामने देखने के लिए मिले, एक तो ये वाला जो डुअल पैटर्न में, जिसके अंदर आपको यहाँ पे डुअल टोन देखने के लिए मिलेगा, जस्ट लाइक स्पार्कल ब्लू हो गया, स्पार्कल व्हाइट हो गया, जिसके अलॉयज भी आगे वाले ब्लू मिलेंगे ये रहे, और पीछे वाला ब्लैक मिलेगा, मतलब डुअल टोन में ये गाड़ी रहने वाली है। और ये वाली जो गाड़ी है ये आपकी पूरी सिंगल ऑल ब्लैक देखने के लिए मिलेगी, जो इसके स्ट्रिप्स हैं ये थोड़े से मल्टी कलर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो 2,90,000 रुपये की आपको ये ऑन रोड दिल्ली में देखने के लिए मिलेगी। और इसकी अगर टॉप मॉडल की बात करूं ना, क्योंकि ये टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल में सिर्फ कलर का डिफरेंस है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 2,95,000 की आपको ये ऑन रोड दिल्ली में देखने के लिए मिल जाएगी। गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है भाई जो इन्होंने हैलोजन दिया हो, क्योंकि रॉयल इनफील्ड में शुरू से हैलोजन वाली चीज़ें बहुत आया करती थी। अब इसके एक बार मैं की ऑन करता हूँ, ये देखो यहाँ पे इसकी लाइट्स हो, हैजार्ड सिस्टम हो, दोनों ही चीज़ें आपको एलईडी में देखने के लिए मिलेंगी, उसके अंदर भी सब कुछ एलईडी में मिलेगा। इवन जो इसकी बैक लाइट है, बैक इंडिकेटर है, इवन जो इसकी पार्किंग लाइट है, ये भी आपको एलईडी में देखने के लिए मिलेगी। तो हैलोजन का कोई भी काम इस गाड़ी के अंदर नहीं किया गया, क्लासिक डिज़ाइन और मॉडर्न लुक्स के साथ गाड़ी आई है, तो आप लोगों को डेफिनेटली ये गाड़ी पसंद आने वाली है। हल्का फुल्का हंटर 350 वाला फील आएगा, बट आप अगर आप चलाओगे ना या सामने से देखोगे तो टोटली ही डिफरेंट है हंटर 350 से। अब बात कर लेते हैं भाई गाड़ी के इंजन की, कि इंजन में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। प्राइस तो मैंने बता दिया, इंजन आपको इसको मिल जाता है 450 2cc का, जो कि लिक्विड कूल्ड रहने वाला है, BS6 कंप्लाइंट इंजन है, फेस 2 वाला। और इसकी BHP की बात करूँ तो 40 की ही BHP मिलती है और 40 का ही टॉर्क मिलता है। जिस टॉर्क को या जिस BHP को अगर आप रोड पे चलाओगे ना, तो आपकी जो पावर है, चलाने का जो थ्रिल है, या ओवरटेक करने में जो चीज़ें महसूस होती है ना, वो आपको इस गाड़ी में बहुत अच्छी महसूस होने वाली है। पावर का 1% लैग नहीं लगेगा। इवन इसकी पावर हिमालयन 450 से आपको थोड़ी बहुत हल्की सी ज़्यादा भी देखने के लिए मिलने वाली, क्योंकि इसका जो वेट है ना हिमालयन 450 से थोड़ा सा कम है, क्योंकि इसका जो वेट है वो है 185 kg। और 185 kg की अगर 40 BHP मिल जाती है और 40 टॉर्क मिल जाता है, तो वो नॉर्मल सिटीज़ में या रोड्स पर चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कैपेबल रहती है। इस गाड़ी के अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगी, साथ ही साथ 10x10 नेविगेशन मैप भी मिलेगा, जो कि बहुत रेयर गाड़ियों में आता है रॉयल इनफील्ड की। इस गाड़ी के अंदर आपको एक बहुत बेहतरीन चीज़ देखने के लिए मिलेगी, कि गाड़ी के अंदर ना 6 स्पीड का गियर बॉक्स है और साथ ही साथ स्लीपर क्लच भी है, तो फीचर की आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। अब आप सोचो कि इस प्राइस रेंज के अंदर इसके अंदर कुछ शिफ्टर डाला जाए, ऑटो ब्लीपर डाला जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो चीज़ें डलती तो गाड़ी 4 लाख पार हो जाती, तो इसलिए ये चीज़ें नहीं है। बट जो बेसिक चीज़ें हैं, फीचर की आपको कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। मैंने बता दिया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, 10x10 नेविगेशन मैप भी है, वो सेम चीज़ इसके बेस वेरिएंट में भी है और टॉप मॉडल में भी है। आते हैं भाई गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ, क्योंकि सस्पेंशन इसके अंदर ना USD नहीं है, क्योंकि हिमालयन 450 के अंदर ना USD सस्पेंशन आते हैं, बट इसके अंदर ना टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। हाँ, थोड़ा सा गाड़ी अप डाउन हो सकती है अगर आपका वेट थोड़ा सा कम है, अगर आप आराम से कैपेबल तरीके से चलाओगे तो कोई प्रॉब्लम इन सस्पेंशन पे भी नहीं होने वाली, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी टेस्टेड होके आई है, तो सस्पेंशन मेरे को लगता है बेहतरीन ही काम करने वाले हैं। जो मैं बता रहा था ना, सेगमेंट में अभी तक किसी ने नहीं करा, और इंडियन ब्रांड में तो मुझे लगता है कि कभी होगा भी नहीं, और होगा तो उस गाड़ी का प्राइस रेंज आएगा 4 लाख पार। 120 सेक्शन का टायर फ्रंट में और 160 सेक्शन का टायर रियर में अभी तक किसी ब्रांड की किसी कंपनी ने दिया जो कि इंडियन हो। रॉयल इनफील्ड की भी सबसे कह सकते हो बड़े टायर वाली गाड़ी यही है, अभी तक इतने बड़े टायर रॉयल इनफील्ड की गाड़ियों में भी नहीं है। जस्ट लाइक कॉन्टिनेंटल की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर भी काफ़ी छोटा टायर आता है। इसके मुकाबले 120 70 R17 का आपको यहाँ पे रेडियल टायर देखने को मिलेगा, जो कि डुअल पर्पज़ है। आप इससे ऑफ रोड भी कर सकते हो, सिटीज़ में भी चला सकते हो, और अगर आप बारिश वगैरह में चलाओगे तो भी आपका कोई कॉन्फिडेंस लैक नहीं होने वाला, आराम से आप लीन वगैरह कर सकते हो ईजिली। पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे हमें मिलता है भाई 160 60 R17 इंचेस के टायर, ये रहा ना 160 60 R17, मतलब पीछे वाला टायर भी डुअल पर्पज़ है, इसको आप आराम से लीन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डुअल पर्पज़ टायर है। आप इसकी ग्रिप वगैरह भी देख सकते हो और अच्छे खासे चौड़े चौड़े टायर है।
हैजार्ड सिस्टम भी इस गाड़ी के अंदर आता है, और इस गाड़ी के अंदर ना बैक लाइट नहीं आती है। ये देखो जो इंडिकेटर है उन्हीं के अंदर ही इनकी बैक लाइट स्विचेस काम करते हैं, अगर आप ब्रेक दबाओगे तो ये ब्लिंक करेंगे, वो सारी चीज़ें। इसकी जो चेसिस है वो भी डुअल पैटर्न में है। आगे देखो ये चेसिस का इतना जो भाग है ये आपको ब्लैक मिलेगा, और पीछे वाला जो पोर्शन है ये आपको स्पार्कल ब्लू जिसे मैं कह रहा हूँ वो उस तरीके से देखने के लिए, ये नॉर्मल ब्लू नहीं है। एक बार पास से देखो तो आपको यहाँ पे स्पार्कल जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। एक इस गाड़ी की सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि इस गाड़ी का ना साउंड बहुत अच्छा है। जो लोग अगर एग्जॉस्ट वगैरह के थोड़ी शौकीन है रॉयल इनफील्ड की गाड़ियों में, तो उनको एडिशनल कोई एग्जॉस्ट लगाने का खर्चा नहीं आने वाला, सेम हिमालयन 450 वाला एग्जॉस्ट है। एक बार साउंड सुन लेते हैं। बहुत थम्पी सा और बहुत बेसी सा साउंड है, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा इस गाड़ी को जब सुनोगे। हाँ, सीट मेरे को ऐसा लगा कि पीछे वाली थोड़ी सी छोटी है, जो पिलियन है उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बट अगर आप बैक रेस्ट लगा लोगे तो वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सीट की कुशनिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस गाड़ी का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट मेरे को जो अभी तक लगा ना वो इस गाड़ी की सीट हाइट लगी, क्योंकि नॉर्मल इंडियंस के हिसाब से ना 5.5 वाले 5.4 फीट वाले ये शॉर्ट राइडर्स ना थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, तो वो जब गाड़ी चलाने जाते हैं तो उनके हमेशा मन में ये खलल रहती है कि क्या मैं इस गाड़ी को कैपेबल तरीके से चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा। गाड़ी की जो सीट हाइट है वो सिर्फ और 780 mm की इसकी सीट हाइट है, तो जो शॉर्ट राइडर है वो भी इसको ईजिली चला पाएंगे। वेट भी गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा लाइट है, मतलब 185 kg के, तो ईजिली अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो या थोड़ा सा टैकल करते हो ढलान पे हो ऊपर नीचे हो तो आप ईजिली कंट्रोल कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नीचे आपको यहाँ पे बेस प्लेट देखने की मिलेगी जो कि अपनी फाइबर की है, मेटल की नहीं है। रॉयल इनफील्ड की गाड़ी है तो भाई ग्राउंड क्लियरेंस तो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि ये जो चेसिस है ना ये हिमालयन वाली है, तो इसका 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो आपके जो नॉर्मल ब्रेकर रहते हैं ना दिल्ली में हैंडमेड वाले, तो उसमें भी लगने के चांसेस जो है वो आपके सारे के सारे खत्म हो गए। गाड़ी के अंदर डुअल चैनल ABS है, और पीछे और आगे दोनों में डिस्क देखने के लिए मिलती है, और अच्छी खासी बड़ी मिलती है। आगे वाला जो डिस्क साइज है वो 310 mm का है, और पीछे वाला 270 mm का है, तो ब्रेकिंग की बाइट आपको डेफिनेटली अच्छी मिलने वाली है। आप लोगों ने कई सारी वीडियोज़ में भी सुना होगा या कई सारे ऑनरों के मुँह से भी सुना होगा कि जो इनकी ब्रेकिंग रहती है ना रॉयल इनफील्ड की गाड़ियों की, ये बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर थोड़ा सा वेट रहता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी ब्रेकिंग जो रियर वाली है वो भी बहुत अच्छा वर्क करती है, तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है इस गाड़ी का। साथ ही साथ पीछे का आप पोर्शन देखोगे तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि टायर आपका पूरा ढक गया हो, टायर की पूरी प्रोफाइल आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, पूरा टायर जो आपका विजिबल होता है चौड़ा सा रोड पे, तो आप चलते हो देख के तो लगता नहीं है कि कोई आप छोटी सेगमेंट की गाड़ी चला रहे हो। एक बिग बाइक वाला जो फील है वो इस गाड़ी के अंदर आपको डेफिनेटली मिलेगा। और भी सारे कलर्स हैं वो जल्दी ही मार्केट में आएंगे, शोरूम की डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। इसकी इवन जो पीछे का स्विंग आर्म है ना ये भी देखो भाई ब्लैक कलर का शाइनी है। थोड़ा सा रात हो रही है, बारिश का मौसम है तो इतना ज़्यादा खास विजिबल हो नहीं पा रहा, बट ये देखो ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी कि गाड़ी के एक एकदम डिटेल पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा वर्क किया गया है। यहाँ पे आपको ग्रैब रेस मिलेंगे थोड़े से कह सकते हो मॉडर्न टाइप के, एकदम यूनिक टाइप के मिलेंगे, तो यहाँ पे अगर बैक रेस लगा लोगे तो पिलियन की जो प्रॉब्लम है वो भी वही सॉर्ट आउट हो ही जाएगी। 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के मिलता है जो थोड़ा सा नाराज़ कर सकता है, क्योंकि गाड़ी की जो CC है ना वो 450 cc है, पावर इतनी ज़्यादा है जब आप चलाओगे तो फिर गाड़ी माइलेज कहाँ ही देगी, आपको बार बार रुक के थोड़ा सा डलाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कंपनी को थोड़ा सा इसके जो टैंक कैपेसिटी है उसको बढ़ा देना चाहिए था। बाकी मीटर में एक बार देखते हैं कि मीटर में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हालांकि स्विचेस की क्वालिटी अबेंडेंट वाली है मॉडर्न लुक के साथ। ये पासिंग हो गई, हॉर्न काफ़ी ज़्यादा लाउड है, बहुत अच्छी बात है। और ये मोड का बटन है, यहाँ से एक बार देखते हैं राइड परफॉर्मेंस। अच्छा, राइड मोड भी है इसके अंदर भैया, इको मोड भी इसके अंदर, ये तो मेरे को अभी पता चला भैया, इसके अंदर राइड मोड भी है, इको है, परफॉर्मेंस है। अच्छा, दो मोड हैं, इको मोड पे चलाओगे तो आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बहुत अच्छी निकल के आएगी, परफॉर्मेंस मोड पे गाड़ी बावली हो जाएगी, बहुत अच्छी पावर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अब थोड़ा सा और देखते हैं क्या क्या मिलता है इस गाड़ी के अंदर वगैरह, फ्यूल रेंज वगैरह। देखो मैं यहाँ से टैकल कर रहा हूँ, छोटा सा बटन है, कभी आप अगर राइड रिव्यू लेने आओ तो यहाँ पर चेक कर लेना, इधर बटन है। बाकी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो M वाला बटन दबा के, और यहाँ से आप इधर उधर कर सकते हो, मतलब लेफ्ट राइट। फ्यूल कंजम्पशन कितने किलोमीटर पे कितना फ्यूल खाया आपका गाड़ी ने, वोल्टेज, बैटरी का, सर्विस आपकी कब होने वाली है, देखो 500 किलोमीटर के अंदर आपकी सर्विस होगी और 45 दिनों के अंदर होगी, वो सारी चीज़ें आपको कोई अलग से किताब नहीं लेनी, इसी के अंदर सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ABS हो गया, फ्यूल इकोनॉमी हो गई, साथ ही साथ यहाँ पे टाइम हो गया, सेल्सियस हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको इसके अंदर एडिशनल देखने के लिए मिलने वाली हैं। बाकी जब मैं इसका चलाऊंगा गाड़ी को तो मैं एक राइड एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करूंगा कि एक्चुअल में चलाने में कैसी है कैसी नहीं है, हिमालयन 450 से कितनी अलग है कितनी अलग नहीं है, वो चीज़ें तो राइड रिव्यू में पता चलेंगी। और एक बार मैं दिखा देता हूँ गाड़ी कैसी दिखती है, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। ये रहा, पर्सनली मुझे ये वाइट वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा सा मॉडर्न है और स्पार्कल वाइट है, तो बेसिक तो बिल्कुल भी नहीं है।
तो ये जो प्राइस है वो पूरा का पूरा जस्टिफाई होता है, किस अगर मेरे भाई को गाड़ी को चलाना हो, टेस्ट ड्राइव लेना हो या गाड़ी के बारे में डिटेल चाहिए हो तो सामने स्क्रीन पे भी शो रहे होंगे, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारी चीज़ें डाल दूंगा, आप शोरूम पे जाके कॉन्टैक्ट करके अपनी गाड़ी को जो है ग्रैब कर सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय एंड टेक केयर।